चरखी दादरी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने निगम कार्यालय में धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले भर की सभी यूनिट्स के कर्मचारी एकजुट हुए, साथ ही अल्टीमेटम दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं की गई तो केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें ब्लैकआउट का भी निर्णय लिया जा सकता है। बिजली यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव राजकुमार सांगवान की अगुवाई में बिजली कर्मचारी मंगलवार को निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में एकजुट हुए, धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम की ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है। कोरोना काल के दौरान सरकार तबादला नीति में बदलाव लाते हुए कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। इस समय निगम में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के बजाय लगभग 75,000 खाली पड़े पदों को भरना चाहिए ताकि बिजली कार्य सुचारू रूप से चल सके। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेने सहित उनकी सभी मांगे पूरी करने की मांग की और साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं ली जाती और खाली पदों को नहीं भरा गया तो केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें ब्लैक आउट का भी फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारी साथी आज आंदोलन के रास्ते पर हैं। ये हरियाणा सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके विरोध में हो रहा है। केंद्रीय परिषद के आह्वान पर पिछली 10 सितंबर से हमने इसको शुरुआत किया था, तब गेट मीटिंग सब डिवीजन लेवल पर की गई थी, आज यूनिट लेवल पर की गई है। आज हम यूनिट लेवल के माध्यम से हमारे यूनिट प्रधान, हमारे जो दादरी एक्शन साहिबान हैं, वो ACS पावर साहब के नाम सीधा ज्ञापन सौंपेंगे इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जिस मंसूबे के साथ हरियाणा सरकार प्रचारित कर रही है एक्चुअली वो पर्पज सर्व नहीं हो रहा है इस ट्रांसफर पॉलिसी नीति से, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंटों की अगर तुलना हमारे महकमे से करते हैं तो बिजली बोर्ड जो है एक अलग कार्य प्रणाली, इसकी कार्य करने की रूपरेखा अलग है। हमारे कर्मचारी तो 24 घंटों में से 18 घंटे जो है मौत के मुंह में झूलते हैं, तारों पर झूलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से विरोध या अनुरोध करते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी को गतिरोध को इसको रोक लगाई जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है और इनकी मांगे पूरी कब तक होती हैं। प्रदीप साहू, टोटल न्यूज, चरखी दादरी।